हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है ड्यूटीज़ ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं इनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जैसे कि आपने सुना ही है कि इंस्पेक्शन किए जाते हैं, ऑडिट्स भी होते हैं, चेकलिस्ट मेंटेन करनी होती है, अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशंस भी होती हैं, एसओपी मेंटेन करी जाती है, एसओपीज जो हैं वो कैसे फॉलो करनी है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, सब कुछ देखा जाता है सेफ्टी सुपरवाइज़र के अंडर में, सेफ्टी ऑफिसर के अंडर में। ठीक है, तो जो सेफ्टी ऑफिसर रहता है वो क्या साइड इंस्पेक्शन देखता है, वर्क प्लेस सेफ्टी देखता है, वो इंश्योर करता है कि ये जो वर्क जो प्लेस है वो वर्क करने के लिए एकदम सेफ है, क्योंकि प्रिवेंशन उधर लगाने हैं, वो सारी चीज़ें वो चेक करता है और प्रॉपरली उसे मेंटेन्ड रखता है। ठीक है, एनी वंस वर्किंग कंप्लाइंसेज जो भी हैं वो फॉलो करवाता है, सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस और डिस्कशन भी उनके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, और सेफ्टी को प्रमोट भी किया जाता है। ठीक है, कि सेफ्टी के बारे में सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जो मोटिवेशंस रहते हैं सेफ्टी के लिए, सेफ्टी इंप्लीमेंट करने के लिए जो छोटी छोटी ट्रेनिंग्स रहती हैं वो भी करवाई जाती हैं। तो ये सारी ड्यूटी किसकी होगी, सेफ्टी ऑफिसर की होगी, कि आपको सब कुछ चेक करना है, आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस क्या क्या हैं वहाँ पे। ठीक है, पीपीईज आपको कौन कौन सी वेयर करनी है, क्या वेयर करी है आपने पीपीईज या नहीं, ये सारी चेकिंग करना किसका काम हो गया, सेफ्टी ऑफिसर का। ठीक है, सेफ्टी से रिलेटेड जो भी पूरा मैनेजमेंट है वो सारा देखना, सेफ्टी को इनकरेज करना। ठीक है, डिपार्टमेंट को अवेयरनेस प्रिवेंट प्रोवाइड करना कि सेफ्टी से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, अगर आप सेफ्टी रखते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको, क्या क्या बेनिफिट्स आपको होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके, ड्यूटीज़ ऑफ सेफ्टी ऑफिसर रहता है ये। ठीक है, आपके गवर्नमेंट इंस्पेक्शन अगर हो रहे हैं, ठीक है, कंडीशन चेक करी जा रही है, इंस्पेक्शन चेक किया, जब कभी भी कोई भी इंस्पेक्शन होता है तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये सारी चीज़ें किसको चेक करना होता है, ये सब कुछ चेक करना होता है सेफ्टी ऑफिसर को। तो ये उनकी ड्यूटीज़ के अंदर आता है कि प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन भी उन्हीं को देखना होता है। एक सेफ्टी ऑफिसर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, तो देखिए वो एक लीडर क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए कि वो सबको लीड कर चुके, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चीयरफुल होना चाहिए, वो ब्रेव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही वो ऑनेस्ट होना चाहिए, कम्युनिकेटर होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेगा एक से दूसरे पर्सन से, तब तक हम सेफ्टी अवेयरनेस नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, नहीं फैला सकते हैं। कॉन्फिडेंट वो होना चाहिए और हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज़ एक सेफ्टी ऑफिसर में होनी ही चाहिए, जिससे कि वो हमारी जो भी वर्क प्लेस है उसके उसको लीड कर सके, वहाँ पर सेफ्टी मेंटेन कर सके, वो बता सके कि अगर कुछ भी ऐसा अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्ट अगर होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से वो ब्रेवनेस होनी चाहिए उसके अंदर, वो कि होने वाले एक्सीडेंट से वो लड़ सके। ठीक है, प्लस उसके अंदर एक पॉइंटर होने चाहिए, साइट इमरजेंसी अगर कभी आती है, कोई भी इमरजेंसी आती है तो वो उसको टैकल कर सके, वो इतना अपने स्टाफ को मेंटेन कर दे, इतना उनको इस काबिल बना दे कि होने वाले किसी भी एक्सीडेंट को वो लोग खुद से ही हैंडल कर सकें। ठीक है, साथ ही कोई भी पर्सनल इंजरी हो जाती है तो वो चेक कर सके कि क्या, किस वजह से, किस कारण से उसको इंजरी हुई थी। ठीक है, रीज़न क्या था उस एक्सीडेंट के होने का। ठीक है, और जो भी हजार्डियस मटेरियल हैं उनको कैसे हैंडल करना, हैंडलिंग ऑफ हजार्डियस मटेरियल, ये सारी चीज़ें भी उसको पता होनी चाहिए। तो ये सारी ड्यूटीज़ किसकी हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स की, ऑफिसर की, जो कि इन सारी चीज़ों को चेक कर सके। ठीक है, साथ में उसको लाइजनिंग मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, अब लाइजनिंग क्या होता है, बातचीत करने का तरीका, ठीक है, व्यवहार बनाने का तरीका, क्योंकि देखिए क्या होता है इसमें, अगर आप सेफ्टी डिपार्टमेंट से हैं तो आपको बना के चलनी होगी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी, अदरवाइज़ क्या होगा, आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी, ना ही सेफ्टी पर ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको लाइजन भी मेंटेन करके रखना है अपने क्लाइंट्स के साथ, HSC मैनेजमेंट के साथ और टीम के साथ। ठीक है, उनसे अच्छे तरीके से बातचीत करनी है और उन्हें सेफ्टी के रिगार्डिंग जो भी चीज़ है वो सब समझाना है, जैसे कि अगर आप प्यार से भी समझाएंगे तो क्या होगा, वो लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और प्लस आपको एज अ सुपरवाइज़र या असिस्टेंट को बोलना, जो भी
इंसिडेंट हुआ था या एक्सीडेंट हुआ था उसकी रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन देना, इन्वेस्टिगेट करना, फोटोग्राफ्स लेना, एविडेंस कलेक्ट करना, ठीक है, और उस प्लेस को फिर जानना कि किस वजह से एक्सीडेंट हुए थे और आगे ऐसे एक्सीडेंट ना होने पाए इसीलिए उनको एलिमिनेट करवाना। ये सारी ड्यूटीज़ किसकी होती है? सेफ्टी ऑफिसर की। तो ये कुछ ऐसी ड्यूटीज़ रहती हैं जो एक सेफ्टी ऑफिसर को करनी ही करनी होती हैं, ठीक है। तो सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटीज़ भी काफ़ी सारी होती हैं जिनमें से ये मैंने कुछ आज बताई हैं आपको कि एक सेफ्टी ऑफिसर क्या क्या काम करता है अपने वर्क प्लेस पे। तो ये मैंने आज आपको सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटीज़ के बारे में बताया, ड्यूटीज़ ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। सो थैंक यू।